गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, यू आर वेलकम इन आरा वाटर सपोर्ट चैनल। आइए आज मैं आपको दिखलाता हूँ ये वायर, और ये जो वायर है वह केंट का है, और केंट का बहुत सारा आरो का मॉडल आता है। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 3 पिन इधर है और 2 पिन इधर, 5 पिन लगा हुआ है, ये 2 खाली है। यानी जनरली ऑटो फ्लश का इसमें आता है जो खाली है। अब आगे मैं दिखलाता हूँ कि ये जो वायर है इसमें कैप टाइप का दिख रहा है, और ये आपका फ्लोट बल्ब का वायर सॉकेट है। और ये जो वायर है ये आपका जो लो प्रेशर स्विच होता है उसके लिए है, और ये जो वायर है वो आपका SMPS से जो DC वायर निकलता है उसका है। और मैं आपको बता दूं, ये जो वायर है वो पंप का है। तो मैं कैसे पहचान कर रहा हूँ कि ये कौन सा चीज़ है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका टेक्निक क्या है, उसको आपको समझना है। इसको रियल में इसका पूरा टेक्निक समझना है तो इसका जो भी क्या बोलते हैं इसको, ये जो टाई से जो बाधा हुआ है इसको कट करना पड़ेगा, तब जा कर के आप इजली इसको समझ सकते हैं। तो मैं इसका जो भी टाई वगैरह है मैं इसको पूरी तरीके से, जहाँ भी टाई लगा हुआ है मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, और कट करने के बाद मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा और भी वीडियो बहुत तरह का आरओ से रिलेटेड है, वो आपको कैसा लगता है मेरे सारा वीडियो आप देखिएगा। यदि आप आरओ का काम सीखना चाहते हैं, या यदि आप अपने जो आपके घर में लगा हुआ आरओ सिस्टम आप अगर उसको खुद से रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरा सारा रिपेयरिंग का वीडियो मैं बनाता हूँ, उसको आप देखिएगा तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसका सारा जो भी टाई है मैंने लगभग काट दिया, और ये लास्ट बचा हुआ है मैं इसको भी काट देता हूँ। और अब ये पूरा मैं काट दिया इससे, अब देखिए कि इसका वायर कैसे कैसे निकला है। ये जो वायर है इसमें मात्र 3 वायर निकला हुआ है इस सॉकेट से, और ये है जो केंट का जो SMPS होता है उसे जो DC वायर निकलता है उसका है। तो जैसे एक वायर ये है और एक वायर ये है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सॉकेट लगा हुआ है, एक इसमें सॉकेट लगा हुआ है। तो ये कैसे इसमें सॉकेट आ गया सो देखना है। इधर वाला पिन तो उसमें जो एक कंप्यूटर कंट्रोल किट होता है उसमें लगता है, तो ये आपको समझना है बाद में, पहले आपको इस सिस्टम को समझना है। तो मैं आपको तो बतलाया ये कि ये जो दोनों वायर है वो आपका जाएगा कहाँ, तो वो फ्लोट बल्ब सेट में जाएगा, और फ्लोट बल्ब सेट में जैसे कि एक देख सकते हैं कि इससे एक जो वायर निकला है इस सॉकेट से, इसका और इसका, ये दोनों आपस में जब मिल जाएगा तब जा कर के मशीन ऑन होगा। फ्लोट बल्ब सेट में क्या होता है कि माइक्रो स्विच लगा हुआ होता है, उस माइक्रो स्विच के हेल्प से करंट इस तरफ से इस तरफ यहाँ आ जाता है, और उसके बाद तब जो है कंप्यूटर कंट्रोल किट के अंदर चला जाता है। तो कभी कभार कंप्यूटर कंट्रोल किट हो सकता है कि फेल हो जाए, उस स्थिति में भी आपको इसके अंदर के वायर को आपस में शॉर्ट करके काम करना है। मैं उसको आपको अभी बतलाता हूँ। ये UV चैम्बर है, और ये केंट का कंप्यूटर कंट्रोल किट है, और इसे बिप 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 की आवाज़ आ रही है। तो जनरली इसको रीसेट करने के बाद सही हो जाता है, क्योंकि ये किट ख़राब है तो रीसेट करने के बाद एक आध दो दिन चलता है, और इसके बाद फिर से ये ऐसा ही होने लगता है। तो इसमें वायरिंग समझना है, हमारे पास एक कमेंट आया था कि मुझे वायरिंग समझना है, तो ये देख सकते हैं इसमें एक ग्रीन कलर का और एक ये वाइट कलर का वायर है, और दोनों में सेम टाइप का पिन लगा हुआ है। तो इससे ये दबने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये जो वायर है आपका ये फ्लोट बल्ब सेट का है। और मैं आपको इधर वायर दिखलाता हूँ, मैं इसको जोड़ रखा था इससे,
ये जो सॉकेट है इसमें आप देख सकते हैं कि ये वायर कैसा है। इस वायर का जो भी इसमें टाई वगैरह बंधा हुआ था मैं काट दिया हूँ, तो इससे दो वायर निकला हुआ है एक साइड से और एक साइड से एक ही वायर निकला हुआ है। और ये वायर और इसमें एक और वायर है, ये वाला वायर, ये दोनों सेम वायर है। यानी कि ये जो वायर है आपको ये लो प्रेशर स्विच का है, और इसमें कनेक्ट करने के बाद चूँकि मैं इसको नहीं दे रहा हूँ तो कनेक्ट करने के बाद काम नहीं करेगा, तो इसको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा तब जा कर के पावर आगे रिलीज हो पाएगा। तो ये रहा आपका इस SMPS का वायर, जो SMPS का DC वाला वायर है वो इसमें कनेक्ट होता है। और आगे मैं आपको बताता हूँ और जो भी वायर है इसका, इसमें आप देख सकते हैं ये जो पंप का वायर है और SV का वायर है, तो इसका जो कलर है रेड है और ये स्काई ब्लू कलर का वायर है। और इसी सॉकेट से आपको दो और वायर निकला है सेम कलर का, रेड और स्काई ब्लू, जो SV का वायर है। तो ये पंप और SV एक साथ ऑन होना चाहिए, तो इसके लिए आप देख सकते हैं इसमें जो आपका ग्रीन कलर का एक वाइट वाला वायर है वो ये जो SMPS के जो DC वायर इसमें आएगा वो इससे करंट पास करके और ये जाएगा फ्लोट बल्ब सेट में, और फिर इससे करंट ये ब्लू वाला ये ग्रीन कलर का वायर से निकल के इसके सॉकेट में आएगा। बहुत बार होगा क्या कि अगर ये कंप्यूटर कंट्रोल किट काम नहीं करता है उस स्थिति में, अब ये कैसे काम करेगा सिस्टम उसको देखना है। तो इसमें से मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूँ पहले, और देखता हूँ कि ये दोनों आपस में मुझे शॉर्टिंग कराना है तो कैसे मैं कराऊँ इसको। तो सबसे पहले इसमें जो इस सॉकेट में जो पिन फंसा हुआ है उसको मुझे निकालना होगा, तो इस पिन को मैं निकाल लेता हूँ। इसके लिए यहाँ से दबाना पड़ता है, ये दबाने के बाद आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। देखिए दबाने के बाद निकल गया, इसी तरीके से सबको दबाएँगे और इसको निकाल देंगे। और बाद में चूँकि कन्फ्यूज़न होगा इसके लिए एक काम करना है कि चूँकि फिर से इसमें लगाना पड़ेगा, हो सकता है चूँकि वायर नया है तो इसमें मैं कलर, जैसे मैं अभी ये ब्लू कलर का निकाला तो मैं इस पर B लिख देता हूँ ताकि बाद में मुझे फिर से इसमें कनेक्ट करने में कन्फ्यूज़न नहीं हो। और ये रहा ग्रीन कलर का वायर, तो मैं इस पर G लिख देता हूँ। और फिर उसके बाद ये रेड कलर का वायर है तो मैं इस पर R लिख देता हूँ, R फॉर रेड। और फिर इधर एक वायर है जो ये डीप कलर में है और ये हल्का कलर में है, तो डीप कलर वाले को मैं ब्लैक, B फॉर ब्लैक, B लिख देता हूँ। और इसको वाइट कलर में हम ले सकते हैं, चूँकि ये बिल्कुल वाइट नहीं है, इसको हम घी कलर के रूप में ले सकते हैं, तो मैं इसको वाइट का ही W लिख देता हूँ, W फॉर वाइट। और इसी के हिसाब से बाद में मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। अब इसको हम जो भी इसमें सॉकेट में इसका जो पिन वगैरह है मैं इसको निकाल लेता हूँ। कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर कंट्रोल किट ख़राब हो गया उसके वजह से RO सिस्टम बंद हो जाता है, तो RO किसी तरीके से चलाना है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चलेगा RO सिस्टम। मैं सारे पिन को पहले निकाल लूँ, और ये निकल गया सारा का सारा। और अब मैं इसको देखता हूँ, ये तो मुझे RO ऑन ऑफ होना ही चाहिए, तो इसके लिए मुझे इसमें ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा ताकि मेरा RO सिस्टम ऑफ हो जाए। तो सबसे पहले मुझे इसके वायरिंग में देखना क्या है, ये आप देख सकते हैं इससे जो SMPS का जो वायर आएगा इसका करंट इससे हमको डिसकनेक्ट करना होगा। तो ये तो पानी भरने के बाद इससे तो डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो कैसे डिसकनेक्ट होगा इसको देखना है। अब देखिए इसका जो फ्लोट बल्ब का जो एक ग्रीन कलर का वायर है उसको आपको रेड कलर के साथ कनेक्शन करना है, तो इससे क्या होगा, ये जो SMPS से जो वायर निकला है और इससे दो वायर निकला है एक साथ, उसी से एक वायर निकाल करके ये फ्लोट बल्ब के हेल्प से
और फिर ये ग्रीन कलर के वायर से होकर के और फिर इसका जो रेड कलर का वायर है, दोनों पिन को आपस में शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करना मुश्किल है, मैं इसमें टेप लगा देता हूँ ताकि ये प्ले ना करे। इस ढंग से यदि आपका कंप्यूटर कंट्रोल किट ख़राब हो जाता है तो आप अपना आरओ सिस्टम ऑन कर सकते हैं। और एक वायर है इस एसएमपीएस का निगेटिव वाला वायर, तो इसमें मैं अभी पिनअप कर रखा हूँ। और इसको ये जो वायर है वो आपका लो प्रेशर स्विच का है, तो ये शॉर्टिंग कर रखा हूँ। तो ऐसे जनरली ये शॉर्टिंग करके ही रखना पड़ता है। यदि आपका छत के ऊपर जो रखा हुआ टैंक है अगर एक तल्ले पर हो तो काम नहीं करता है लो प्रेशर, तो इसे करंट पास हो करके आपका ये उसके हेल्प से एसवी और पंप में आ जाएगा। देख सकते हैं ये एसवी और पंप का कनेक्शन। इसमें जो सॉकेट लगा हुआ रहता है, ये दो वायर एक साइड में ब्लू कलर का और दो वायर एक साइड में रेड कलर का है, और इसी से एसवी में भी आ गया है ये दोनों। और इसका दो वायर है, सो मैं इसको पंप में कनेक्ट कर दिया हूँ क्योंकि इसका मेरे पास सॉकेट नहीं है, तो सॉकेट प्लग नहीं होने के कारण मैं ऐसा कर रखा हूँ। और इसको मैं आपस में फिर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अगर इसमें आपको यूवी लगाना होगा और किसी और ब्रांड का यूज़ करना है, यदि आप केंट के कंप्यूटर कंट्रोल किट से परेशान हैं, अगर बार बार वह बिप बिप का आवाज़ कर रहा है, रीसेट करने पर भी रीसेट नहीं हो रहा है, उस स्थिति में तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे कि इससे जो निकला ये वाला जो ग्रीन कलर का और रेड कलर का जो वायर है, एक वायर का कनेक्शन आपको इसमें देना होगा और एक वायर का कनेक्शन इसमें देना होगा डीसी वायर का, छोटा वाला अगर आप चौक लगाते हैं कोई डीसी चौक उसके लिए, तो उस स्थिति में ये प्रॉपर वर्क करेगा। और पानी वगैरह से मैं इसको कनेक्शन अभी कर रखा हूँ। अब देखते हैं इसको ऑन करके पावर देते हैं, और देखिए बिल्कुल काम कर रहा है और इसमें लो प्रेशर स्विच भी काम कर रहा है। तो इस ढंग से ये काम करेगा आपका। और मैं आपको दिखलाता हूँ, ये जो आपका फ्लोट बल्ब का जो ये लो प्रेशर का जो वायर है, मैं दिखाता हूँ उसको डिसकनेक्ट करके और कनेक्ट करके, ये कनेक्ट डिसकनेक्ट की अवस्था में ये काम करता है कि नहीं करता है। ये फंस गया हुआ है, मैं फंसा रखा था इसको, तो थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ अगर इसको ये कर देंगे तो ये इसमें से निकलेगा, नहीं तो ये नहीं निकलेगा। वो निकल चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं अलग कर दिया और ये पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा मतलब मशीन ऑन नहीं हो पाएगा। तो अगर लो प्रेशर स्विच का कनेक्शन करना है, अगर लो प्रेशर यानी कि पानी कम अगर होगा तो ये स्विच आपका काम नहीं करेगा इसमें। ऐसे मैं अभी इसको पानी नहीं दे रखा हूँ, तो जैसे इसको पानी नहीं मिलता है तो काम नहीं करता है। देखिए काम नहीं कर रहा, लेकिन इसी को अगर इसमें अगर हम इंसर्ट कर दें तो ये काम करेगा। आपस में मैं इसको इसमें इंसर्ट कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये काम करने लगा है ये। और जैसे ही आप इसको निकाल दीजिएगा तो ये नहीं काम करेगा, देखिए नहीं काम कर रहा है। तो इस ढंग से इसका काम होता है, तो इसको आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। इस ढंग से आप आरओ सिस्टम का आप अपना कनेक्शन कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये जो वायर आपका बच गया, इसको आपको चूँकि ये कहीं सटे नहीं तो इसलिए इसमें इसको टेप मार देना है।